हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारुति की एल्टो के टेम्पो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है। क्या है कि चलते चलते ना गाड़ी बंद हो जाती है, महीने दो महीने में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, चलते बंद हो जाती है, फिर वायरिंग वगैरह हिलाते हैं इसकी, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। अभी ये गाड़ी मेरे पास आई है टोल के, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इंजेक्शन वगैरह के अंदर कोई भी लाइट नहीं आ रही है, मीटर के अंदर कोई लाइट नहीं आ रही है, गाड़ी बिल्कुल मतलब कि गाड़ी की बैटरी वगैरह जो है बिल्कुल ठीक है। हमने दूसरी बैटरी भी लगाई थी, उसके अंदर भी इसकी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही। तो इसके पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले फ्यूज वगैरह चेक करेंगे, फ्यूज वगैरह चेक करने के बाद अर्थ वगैरह जो होता है, वायरिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या नहीं आती, और किस कारण ये गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती थी और वायरिंग हिलाते थे तब जाके ये स्टार्ट होती थी, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो चलते इधर पहले मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो आप मीटर के अंदर कोई भी लाइट नहीं आ रही है। इग्निशन लगाता हूँ मैं एक बार, ये खोल देता हूँ, ये देखो कोई भी लाइट नहीं आ रही है। इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है, सेल मार रहा हूँ, सेल वगैरह स्टीरियो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, जो थोड़ा बहुत चल जाता है मतलब बैटरी वगैरह अगर डाउन होती है, बिल्कुल ही डेड होती है, तब जाके ये प्रॉब्लम शो होती है। मगर अभी इसमें तो बैटरी वगैरह भी फुल चार्ज है, देख सकते हो एटीएम वगैरह लगा पड़ा है। फ्यूज बॉक्स वगैरह ये हैं, इसके पहले फ्यूज वगैरह चेक कराएंगे, और एक अंदर फ्यूज बॉक्स लगता है यहाँ की साइड, नीचे की साइड वो भी चेक कराएंगे। तो अभी फ्यूज चेक करा के लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो है अंदर के फ्यूज चेक करा रहे हैं इसके सारे के सारे, फ्यूज कैसे हैं इसके अभी चेक कर ही ला लड़का, ठीक है, मल्टीमीटर लगा रखा है, और फ्यूज वगैरह तसल्ली से चेक करके फिर इसकी वायरिंग वगैरह चेक करेंगे कि किस कारण इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, मगर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। और गाड़ी में क्या होता है कि कुछ भी एसीएम भी निकला हो, इंजन भी निकला हो, तब भी बैटरी लगाने के बाद लाइटें वगैरह मीटर में आ जाती हैं, मगर इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइट शो हो। और देखते हैं अभी इसका फ्यूज वगैरह चेक कर लेते हैं, यहाँ के सारे फ्यूज चेक कर चुके हैं, बाहर के चेक करा रहे हैं एक बार। गाड़ी वैसे बहुत पुरानी हो चुकी है, देख सकते हो पूरा पैंट वगैरह फट गया है, चूहे वगैरह ने खा रखा है, कंडीशन इस तरीके से हो रही है, पूरी कर चुकी है। टाइम ज़्यादा पुरानी नहीं है, 16 मॉडल है, मगर क्या करें, केयर नहीं करेंगे तो ऐसे ही होएगा। अब ये फ्यूज चेक कर रहे हैं, सारे ठीक है, यहाँ के ठीक है सारे, ये देख सकते हो मल्टीमीटर बोला है। ये बार इसका कवर लेकर आ, कवर कहाँ रखा है, ये कवर मंगाते हैं, इस कवर से चेक करते हैं कौन सी रिले है जो पूरे सिस्टम को हिला रखा है, वायरिंग वगैरह भी ऐसी हो रही है इसकी, क्या ही कह सकते हैं भाई, तारे बांध रखी हैं गियर लीवर पे, इन सब का जुगाड़ करेंगे, गाड़ क्या बढ़िया से कर देंगे, ये तो है, इसके बूस वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, हाँ ये आपका इंतजार था, चोर लगी आने में तुमको, हाँ इसमें पकड़ी हो जरा यार, साला रोशनी लग रही है, कराएगा ना ये हमारे को, यहाँ चेक यार, ठीक है ये रिले निकाली जरा, ये क्या है, ये पूरा ये कवर हटा, ये मल्टीमीटर को बंद कर देकर बैटरी डाउन हो जाती है, अभी चार बैटरी चेंज हो चुकी है एक महीने में, निकाल
ये तारे वगैरह कटी पड़ी हैं इसकी, देख सकते हो। ओहो, ये क्या लगा रखा है, एलपी लगा रखी है अंदर। इसे मोड़ने दे पहले, देख सकते हो कहाँ है ये, अंदर की तरफ तार के ऊपर एलपी डाल के मिट्टी डाल रखी है। ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे दिख जाएगा ये करके। ये वाला जो मोटी सी तार है, ये काली रंग की जो है, काली वाली तार है इस पर। बाकी ये वाली एक बार टच कर, जरा एक बार पिन पेच कर लइए जरा। हाँ, स्विच का वैसे यही है। अरे यार, ये तो ख़राब हो गया, पकड़ इसको जरा यूँ करके। इसको दबा के रखिए, देखते अंदर लाइट आई नहीं आई। ये वाला जो है इसका फ्यूज, इसका टर्मिनल जो है था वो टूटा हुआ था। अंदर देखता हूँ लाइट आई, आ गई लाइट, ये देख सकते हो। कैमरा ही बंद हो गया था, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बंद करके एक बार और सेल्फ मारता हूँ। अब ले लिया भाई, बढ़िया, मगर थोड़ी देर ठंडी होगी फिर से दिक्कत देगी। ये देखो अब सेल स्टार्ट हो गई। इसके क्या है कि सेल्फ की बुग्गी भी ख़राब है, और ये जो फ्यूज है, मीटर में लाइट आ रही है ना, ये देखो लाइट आ गई है, और ये फ्यूज ख़राब था ये वाला। इस फ्यूज को चेंज करेंगे। यहाँ से खुलता है तब जाके ये फ्यूज निकलता है, उसको ऐसे खींच दिया ना तब जाके ये टूटा होगा। प्लस कहाँ है, ले गया ना, चल जाएंगे। ये देख, इस तरीके से दे रखा है ना, ये यूं करके लगेगा, ये दोनों के दोनों, और फिर इसके अंदर जाके ये दो 10 नंबर के बोल्ट कसे जाएंगे। ठीक है, अब ये फ्यूज मंगाते हैं, फिर इसका करते हैं, बंद करते हैं वीडियो। तो ये फ्यूज हमने मंगा लिया है नया, और इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से। ये प्यार से लग जाएगा, ढीला ही होगा, देख सकते हो आप, ऐसे लगेगा आराम से, और फिर यहाँ से ये कसा जाएगा। इधर से एक बोल्ट इधर लगेगा 10 नंबर का, और एक बोल्ट इधर लगेगा 10 नंबर का, फिर जाके ये कसा जाएगा। क्या है कि किसी ने ऐसे ही निकाल दिया था तो ये टूट गया था अंदर से। आराम से इस तरीके से बैठता है, खाँचा इसका बना होता है, और इस तरीके से आराम से निकल भी जाता है, मगर दो बोल्ट साइड होके खोलने पड़ते हैं। तो अभी इसको फिट करके लेते हैं प्रॉपर, फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फ्यूज हमने लगा दिया, वायरिंग वगैरह टेपिंग वगैरह सब कर दिए, और फाइनल सारा काम कंप्लीट हो गया। बाकी ये सब जो रह रहा है वो तो बाद का काम है, वो कर लेंगे, और सेल्फ मारते गाड़ी में। हाँ, वहाँ खड़ी कर दे, सेल्फ फ्री हो रहा है यार, अब हो गया स्टार्ट। अब बढ़िया स्टार्ट हो रही है, मगर सेल इसका फ्री हो रहा है, सेल का काम होगा। बाकी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक वीडियो थी, छोटी थी वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।